अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो भारत का स्थान काफ़ी पीछे है। यहाँ तक कि चीन के एक छोटे से ऑटोनोमस रीजन हांगकांग के एक्सपोर्ट भी भारत के टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। अगर ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो वहाँ भी भारत का एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और जब इतने सालों से मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है उसके बाद भी भारत के एक्सपोर्ट इतने कम क्यों हैं? अब भी भारत दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्यों नहीं उभर पा रहा है? इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आइए जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। 2014 में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही भारत सरकार ने तीन बड़े मेजर रिफॉर्म करने की बिल दिखाई थी, जिनमें से इतने सालों के बाद भी सिर्फ एक ही क्षेत्र में रिफॉर्म हो पाए हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने जाते जाते लैंड एक्विजिशन का ऐसा एक्ट पारित कर दिया है कि अब किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करना टेढ़ी खीर हो गया है। इस एक्ट के द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड एक्वायर करने से पहले वहां के कम 80% किसानों की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है, जो कि भारत में सही तरीके से लेना बहुत मुश्किल है। और अगर कभी लैंड एक्वायर हो भी जाता है तो उसमें कुछ एनजीओ कूद पड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है, और कई बार प्रोजेक्ट में स्टे भी लग जाता है। फिर जमीन ना किसी कंपनी के काम आती है और ना ही किसानों के। भारत में जमीन पर कितना दबाव है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पर कल्टीवेटेड लैंड एरिया के मामले में भारत का पहला स्थान है। ऐसे में जब लैंड एक्वायर करना ही मुश्किल हो जाता है तो कई बार बड़ी कंपनीज भारत में एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से डरती हैं। इसके साथ ही भारत में लेबर लॉज भी इन्वेस्टमेंट को आने से रोकते हैं। दरअसल भारत आज भी अपने सोशलिस्ट पास्ट से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया है। भारत में यूनियंस वाली लेबर्स के पास काफी अधिक राइट्स हैं, और वो लेबर जो किसी भी यूनियन में नहीं है उनके पास बेसिक अधिकारों की भी कमी है, इसलिए उनके शोषण से एप्पल फैक्ट्री में दंगों वाली स्थिति बनती है। जब भी इन लेबर लॉज में रिफॉर्म की बात आती है तो यही यूनियन वर्कर उनके विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि इन रिफॉर्म से उन्हें अपने अधिकार डायल्यूट होते हुए दिखाई देते हैं। लो एंड मैन्युफैक्चरिंग में भयंकर कंपटीशन होने की वजह से इनकी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल रेजर थिन मार्जिन पर बेचती हैं। ऐसे में उनके द्वारा अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, पर भारत में किसी एम्प्लॉय को फुल टाइम हायर करने के बाद उन्हें फायर करना बहुत मुश्किल है, जबकि चीन और वियतनाम जैसे देशों में यह काम आराम से किया जा सकता है। इन कारणों से ऐसी कंपनीज भारत आने की बजाय वियतनाम और चीन जाना ज्यादा पसंद करती हैं। एक एरिया जहां रिफॉर्म हो चुके हैं वो है टैक्स। जीएसटी के बाद से ही डिफरेंट टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया गया है, और कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में भी दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत को कॉम्पिटिटिव बनाया गया है। अब बस डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़े और रिफॉर्म की जरूरत है, और इन्हीं रिफॉर्म्स के द्वारा इंडिया की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधरी है। वो सबसे बड़ा कारण जिससे विदेशी कंपनीज भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने से डरती हैं वो है पॉलिसी और पॉलिटिकल स्थिरता। अगर दुनिया के 13 सबसे बड़े निर्यातकों की बात करें तो उसमें भारत का स्कोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स में सबसे खराब है। भारत में कब कौन सी सरकार बदल जाए या कब कौन सा अधिकारी सस्ता नशा फूंक कर बिजनेस को माइक्रो मैनेज करने में लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंबई अहमदाबाद के बीच जापानी पैसों से बुलेट ट्रेन का काम जोरों शोरों से शुरू हुआ था, और इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा किया जाना था। फिर महाराष्ट्र की सरकार बदल गई, नई सरकार के द्वारा ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई रुचि नहीं दिखाई गई, तो अब शायद 2028 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो सके। ऐसे ही सरकार बदलने पर हाइपरलूप इंडिया का प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया था। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती में तो करोड़ों रुपए लग भी गए थे, पर सरकार बदलने के बाद अब अमरावती भी धूल खा रही है। हज वोडाफोन डील में भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाकर केंद्र सरकार ने अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराई थी,
और बाद में अपने कदम वापस भी लेने पड़े थे। रिलायंस जियो के द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिग्रहण का मामला रहा हो या क्रेन एनर्जी के एसेट सीजर का मामला हो, सरकारी अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कंपनीज का काफी समय और उनके रिसोर्सेज भी बर्बाद हुए हैं। ऐसे में विदेशी कंपनीज भारत में आने से पहले काफी सोचती हैं। भारत में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इसमें पिछले कुछ सालों में तेजी से काम भी हो रहा है। अगर मुंबई के किसी फैक्ट्री को कोई सामान चाहिए तो वो कम समय और कम खर्चे में उसे चीन से मंगा सकता है, पर उसी सामान को दिल्ली से मंगाने पर उसे ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर एयर कार्गो को छोड़ दिया जाए तो रोड के रास्ते किसी सामान को भेजना शिपिंग और ट्रेन से ज़्यादा महंगा पड़ता है, और भारत में इतनी सालों के बाद अब जाकर नेशनल वाटरवे पर काम हुआ है, उसका भी स्लिट यानी गाद की वजह से बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और भारतीय रेलवे की लापरवाही और गलत नीतियों के कारण आज़ादी के बाद से इसके द्वारा होने वाली कुल ढुलाई के परसेंटेज में भी कमी आई है। भारत में 60% माल की ढुलाई रोड के द्वारा की जाती है, जिससे लॉजिस्टिक में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और सामान बाहर के देशों में कम कॉम्पिटिटिव रह जाता है। जीएसटी के आने से पहले तक भारत में औसतन एक ट्रक 300 से 350 किलोमीटर चलता था, जो कि अब बढ़कर 450 तक हो गया है, पर यह दूरी अभी भी यूएस के मुकाबले काफ़ी कम है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कई ट्रेन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा लॉजिस्टिक में लगने वाले समय और खर्चे दोनों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में सुधार आएगा और भारत का सामान विदेशी मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। भारत का जीडीपी पर कैपिटा अपने कॉम्पिटिशन वाले देशों से काफ़ी कम है, इसकी वजह से यहाँ विश्व की तुलना में वेजेस भी काफ़ी कम हैं। अगर भारत जल्दी ही ऊपर बताए गए सेक्टर्स में सुधार लाता है तो भारत के एक्सपोर्ट में काफ़ी तेजी आ सकती है। अब अगर भारत के निर्यात को निगेटिवली इफेक्ट करने वाले सभी कारणों पर चर्चा करने जाऊंगा तो इस वीडियो का सत्संग में बदलने का खतरा है, तो बस इतने कारणों से ही काम चलाओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।